ठीक है चलो फिर बताओ अब कुछ डाउट है तुम लोगों को। एग्जाम सिटी कैसे चेक करते पता चल गया ना? नहीं पता चला तो फिर से बता दूंगा। ठीक है बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेरा स्क्रीन शेयर होने दो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो स्क्रीन दिख रहा होगा तुम्हें मेरा। एंड करना क्या है तुम्हें, ऐसे नेट पे जाना, सर्च करना जेई मेन एनटीए। सर्च के वेबसाइट आएगा एनटीए का, जेई मेन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको क्लिक करना। और फर्स्ट ये वाला इसको क्लिक करना, ठीक है? फिर इसको पूरा पढ़ना। एडवांस सिटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, क्या क्या एडवांस एनिमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम, ठीक है? नेक्स्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टिंग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2024 ऑन 24 जनवरी 27 29 30 31 एंड 1 फरवरी, ठीक है? एडवांस एनिमेशन सिटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर एग्जाम ऑन 24th हैज बीन होस्टेड। इस वेबसाइट पे तुम चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट पे कैसे चेक करना है, तुम ये वेबसाइट क्लिक करोगे तो तुम इसी वेबसाइट पे आओगे। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जेई में जनरेट फोन डाउनलोड एडवांस सिटी। फिर इसमें करना क्या, एप्लीकेशन नंबर लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, मंथ, ईयर, कोर्स, कोर्स में बीटेक आ जाएगा एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डालना, सबमिट करना, तुम्हारा आ जाएगा एंड तुम्हारा सीधे सिटी आ जाएगा, कौन सी सिटी में तुम्हारा पेपर है। एंड ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड अलग से आने वाला है एग्जाम से पहले, तो ये याद रखना, ये इंटीमेशन फॉर एग्जामिनेशन सिटी है, एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा इसी वेबसाइट पे आएगा, तो इस वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? भाई मैं तो एनएसयूटी में भी, यार समझ आया? चिल म्यूजिक। तो तुम ऐसे एग्जामिनेशन सिटी अपना चेक कर सकते हो जाके। 1 मिनट। एंड हाँ यार, अगर अभी तुम्हारा 10 दिन बचा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मॉक में, तुम लोग मुझे ये बताओ मॉक दे रहे हो कि नहीं, हाँ या ना में जल्दी जल्दी बता दो। मॉक दे रहे हो तो यस 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 चैट में भर दो, और नहीं दे रहे हो तो नो, और दे रहे हो तो फिर वीक में कितना दे रहे हो और कितने मार्क्स आ रहे हैं सब बताओ। भाई मेरी ब्रांच है ईसीई। ठीक है हाँ अच्छा, मॉक दे रहे हो तो फिर वीक में मतलब कितना दे रहे हो, 1 वीक में? कितने कितने नंबर आ रहे हैं ये भी एक बार शेयर कर दो। एंड अगर कोई दिक्कत आ रही है मॉक में या फिर कुछ किसी भी चीज में तो पूछ सकते हो। आज मैं एक जेई का टॉपर भी मेरे साथ लेके आया हूँ, मेरे पीछे ही बैठा हुआ है, ठीक है? उससे भी कुछ राय विचार ले लेना। भाई मैंने आज तक एक भी नहीं दिया मॉक, क्यों नहीं दिया यार, मॉक ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 दिन में एक बार, देख 2 दिन में एक बार ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी तू दे रहा है, तो इसको 3 दिन में एक देर कर सकता है, बिकॉज एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तू अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा है तो फिर तो तू दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो छोड़ दे। ड्रॉपर थे क्या भाई? हाँ मैं तो ड्रॉपर था, लेकिन ड्रॉप लेने का मेरा उतना कुछ डिफरेंस आया नहीं, लेकिन फिर भी हाँ 2 बार मैंने मॉक्स में 150 से 170 तक, बट पोटेंशियल है और ज्यादा लाने का, बट ओवर अटेम्प्ट में नेगेटिव हो जाता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अप्रोक्स गेसिंग मत करना, ओवर गेसिंग मत करना। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, साइड वाले स्लाइड में देखो, ठीक है? 1 मिनट देखो, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कैसे तुम पेपर को गो थ्रू करते हो। तो कभी भी कोई नहीं यहाँ अवॉइड मेकिंग इलॉजिकल गैसेस, पे। कभी इलॉजिकल गैसेस नहीं रखना है, ठीक है? इलॉजिकल गैसेस कभी नहीं करना है। उसके बदले इंस्टेड तुम क्या करो, ट्राई डूइंग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ब्रिंग अप टू 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तक तुम ले आओ, ठीक है? 2 ऑप्शन तक भी अगर तुम ले और लॉजिकली लगा दिए वो ज्यादा बेटर है। ऐसे ज्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करो फालतू के, ठीक है दिव्यांश? हाँ ओवर अटेम्प्ट मत करो यार।
भाई मैं सेकंड ड्रॉपर हूँ। अरे यार कोई नहीं, मैं सेकंड ड्रॉपर मैं, मेरे कॉलेज में तो बहुत सारे, मेरे सेकंड ब्रांच में भी है, मेरे कॉलेज में बहुत सारे सेकंड ड्रॉपर है। सब आए हैं कि नहीं आए एनएसयूटी में, तू भी आ जाएगा भाई, और तू मौक दिया कर, ठीक है? तभी तुझे ड्रॉपर पता चलेगा तू कहाँ पे स्टैंड कर रहा है प्राउड में, तेरा लेवल क्या है। प्लीज मौक दिया कर, एंड टारगेट बना के चल कि तू कितना नंबर लाना चाहता है अपने पेपर में, कितना परसेंटाइल लाना चाहता है, कौन सा एनआईटी में आना चाहता है, एक टारगेट तो फिक्स कर। एंड यार गाइस तुम लोग कॉल में क्यों लिख रहे हो सिटी अलॉटमेंट चेक नहीं किया, चेक कर क्या हो यार, आ गया तुम्हारा, बता करते भाई। उताकू एडिट्स पूछ। हैं वो डेट्स क्या है जेई के, 24 से या 27 से? 24 को फर्स्ट शिफ्ट। देखो मैं तुम्हें पब्लिक नोटिस दोबारा एक बार दिखाऊं, एक मिनट रुकना। देखो पब्लिक नोटिस मैं निकालता हूँ, देखो एक मिनट, हाइलाइटर भी निकाल ही लूँ। देखो देखा एक मिनट यार, हाँ फर्स्ट 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट फॉर बीआर के, बीटेक का क्या है? 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, 27, 29, 30, 31 फर्स्ट जनवरी फेब्रुअरी तुम्हारा बीटेक के लिए है। मतलब कि मैं एक बार अलग से तुम्हें शीट पे बता दूं, जैसे कि ये बीटेक हो गया, ये बीआर को हो गया, ठीक है? एक मिनट। ठीक है, तो बीटेक एंड बीआर, तो फेब्रुअरी 24 को तुम्हारा क्या है, बीआर का एक पेपर है 24 को, एंड बीटेक कब कब है? 27, 29 और भी डेट्स हैं, एंड 24 का फर्स्ट शिफ्ट, 24 का सेकंड शिफ्ट क्या है तुम्हारा? बीआर के, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो पब्लिक नोटिस एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ओके? हाँ वो डे भाई, अब से भी कुछ हो सकता है क्या अप्रैल तक? भाई हो सकता है यार, तो अगर तुम्हारा जैन में कुछ नहीं पढ़े हो एंड तुम बहुत ज्यादा मतलब लो फील कर रहे हो तो कोई नहीं, अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो, हो जाएगा, ठीक है? कैसे चेक करना है भाई? भाई मैंने बताया तो कैसे चेक करना है, दोबारा बताऊँ क्या? रुक जा बताता हूँ, डेट एक्सटेंड हो गई है 27 से अब जेई की। अच्छा ठीक है, सुनो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, तुम जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे, इस लिंक को दबाओगे, डाउनलोड एडवांस सिटी इंटीमेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, कोर्स लिखो, आ जाएगा तुम्हारा। बोलो तो इसका लिंक मैं डाल देता हूँ अभी तुम्हारे इसमें, इस लिंक पे जाओ मिल जाएगा। भाई मेरे 98, मतलब इंजीनियरिंग के लिए 27 से है ना भाई, सही ना भाई? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए 27 से है, सही। तो ऐसे तुम जाके चेक करो अपना डेट, एंड डेट से ज्यादा भाई अभी फोकस करो पढ़ने पे। भैया आपका कौन सा ईयर है कॉलेज में? भाई मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर, ठीक है? कॉपीराइट आ जाएगा भाई, मैसेज कम स्लो, कॉपीराइट आ जाता है। भेज अच्छा नहीं, फिर भी मैं भी गाऊंगा तो मेरा भी सकते आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ, हैं ठीक है? समझ गए तुम लोग, बताओ अगर डाउट है तो किसी को, रुक जाओ, अगर डाउट आएगा तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें। बता कॉलेज में किस ईयर से इंटर्नशिप लग जाती है, किस कॉलेज ईयर से इंटर्नशिप लग जाती है, पूछ रहा है में क्या चीज करने से इंटर्नशिप किस लगती है? ईयर में इंटर्नशिप लगती है? सेकंड ईयर के बाद, मैं फोर्थ ईयर से पहले जो हाँ, मेरे पीरियड पीछे होता जेई है, टॉपर है, जो पीरियड होता है उसमें इंटर्नशिप सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है, इंटर्नशिप लगना शुरू हो जाती है सेकेंड ईयर के बाद। डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज टू, बट हाँ बेसिकली 2 and a half year में यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम काइंड ऑफ इंटर्न का
सिटी अगर चेक करके आओ तो बताओ कौन कौन सिटी तुम्हें मिला है। जेई टॉपर की जय, जेई टॉपर की जय कह रहा है कोई कोई है। अच्छा जेई फोर लोगे तो यार फिर कभी भी मैंने भाई, तो करी वर्थ इट है यार। अगर देखो तुम लोग को मोटिवेशन नहीं आ रहा ना पढ़ने का, तो भाई मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है भाई। 4 साल लोग कहते हैं ना कि इतना तक पढ़ लो इसके बाद मौज ही मौज है, मैं ये तो गारंटी दे रहा हूँ कि अभी 3 4 महीने पढ़ लो इसके बाद सही में मौज ही मौज है 4 साल तक। नहीं अरे मतलब मौज तो है, देखो पढ़ना तो फिर मतलब तुमको कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ेगा, अब तुम्हारे कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में हो, कितना चिल माहौल है। 1 साल तो पूरा मौज है, 4 साल भी भाई मजा ही आएगा। भाई सुन ना, वो बीटेक के लिए नहीं है क्या? एक बार सर्च करके देख ले, बीटेक तेरा आ जाएगा। अगर होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो फिर ठीक है। भाई ऑर्गेनिक कहाँ से करूँ, पहले ये बता ऑर्गेनिक में मतलब तू कहाँ पे है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर तू 0 पे है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर तुझे थ्योरी थ्योरी आती है सिर्फ क्वेश्चन करना है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर तुझे कुछ नहीं आती है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, लड़कियां भी है क्या कॉलेज में, जीए वगैरह? भाई लड़कियां तो है, जीएफ थोड़ा अमन भाई की जीएफ है और क्या। भाई सिटी अलॉटमेंट सबके लिए आया है, एक बार सर्च कर लो तुम लोग। पता नहीं सबके लिए आया नहीं, लेकिन एक बार तुम लोग सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह वगैरह डाल के, क्योंकि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। हाँ तो ठीक है, अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो तुम्हारे लिए नहीं, वो बी आर बच्चों के लिए, ठीक है, मैं बोल्ड लेटर में लिख देता हूँ, रुक जाओ, तुम लोगों के लिए जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट बी आर वालों का है, बीटेक वालों का नहीं है। लो डाल दिया। क्या है भाई, थ्योरी करनी है, बेसिक आती है? अच्छा तुझे बेसिक आती है, 1 मिनट रुक जा भैया, मेरे पापा 1 वीक पहले सिविलाइजेशन में, आई एम सो सॉरी भाई अरुण सुन के, लेकिन राघव भाई थ्योरी करनी है बेसिक आती है। सुन अगर तुझे सिर्फ थ्योरी थ्योरी करनी है तो तू वन शॉट पे जा, ठीक है, अमन कुछ अच्छा वन शॉट सजेस्ट कर ऑर्गेनिक के लिए चैनल। के लिए वन शॉट एक पीडब्ल्यू में पहले पंकज सर? नहीं, ऑर्गेनिक के लिए पीडब्ल्यू में तुम जाओ, वहां से वन शॉट करो मंजिल बैच का, ठीक है, मंजिल बैच का वन शॉट करो जाके। अगर तुम्हें थोड़ी थोड़ी आती है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग भी तुम्हें करनी है तो वीडियो डिस्कशंस देखो जाके, वीडियो डिस्कशंस देखो जाके, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग सीखनी है तुम्हें, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखो लाइव जो सॉल्व कर रहे हो, एंड फिर जाके तुम मॉक पेपर बनाना शुरू कर दो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है राघव भाई, नाइटी जमशेदपुर अच्छा है क्या? अच्छा भाई। है मेरे हिसाब से भाई, कूल डाउन। मैं हिस में भाई तो और बताओ तुम लोग कितना मॉक दे रहे हो ये बताओ। मैं पोल थोड़ा चेंज करूं, एक नया पोल डालता हूँ, ठीक है, रुक। लग रहा है कि पीवाई क्यों बनाए तो मैं वही एक बताता हूँ इन लोगों को कि तुम लोग पता है मॉक पेपर, तुम लोग पीवाईक्यू को एज अ मॉक पेपर दो। एक ऐप आता है टेस्ट बताता माई प्रेप, एक एलन का ऐप आता है, ठीक है, एक और अभी बताएगा अमन, एक एलन का ऐप आता है टेस्ट माई प्रेप, इस पे जाओ एंड तुम पीवाईक्यू जो हुए थे उनको एज अ मॉक दे सकते हो, ठीक है क्या? वहां पे आ जाता है कि 2022 का जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर आ जाएगा, अच्छा या फिर इससे भी कर मैंने सकते हो, ठीक जेई मेन्स है, देख लो ये वाला ऐप।
उल्टा आ रहा होगा, जेईई मेंस पीवाई के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ सर, लेकिन वहां ओम सर पढ़ाते हैं उनसे नहीं समझ आता, तो एक काम करना और भी तुम्हें मिल जाएंगे, तो मोहित त्यागी पे भी जा सकता है, मोहित त्यागी सर का भी चैनल बहुत बढ़िया, उसको भी एक बार सर्च आउट कर ले, तुझे जहां से समझ आ रहा है वहीं से कर, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, वन शॉट से करना है, ये इम्पोर्टेंट बहुत बात है। भाई कोडिंग कर रहे हो अब? हाँ, भाई अगर मैंने ड्रॉप लिया तो मैं कहाँ से करूँ प्रिपरेशन जेई की? ऑनलाइन ऑनलाइन अगर तुझे प्रिपरेशन करना है तो दो तीन जगह मैं बता देता हूँ, अमन तेरे हिसाब से बेटर क्या रहेगा? ऑनलाइन हाँ पहले से कभी ऑफलाइन कोचिंग करी उस हिसाब से बिल्कुल तूने कभी ऑफलाइन कोचिंग करी है पहले? ऑनलाइन और जेईई मेंस का पर्सपेक्टिव या फिर हाँ ये बता, एडवांस एडवांस ही तू बता वैसे, मोशन से कर सकता? हाँ मोशन एडवांस लेवल तक ही बता। देख मुझे तो सबसे रिलायबल मोहित तर का सर का चैनल लगता है, मोहित त्यागी सर का चैनल, ठीक है। मोहित त्यागी सर का चैनल पे तुम लोग जाओ, ठीक है, वहां से फुल तुम जेई प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हो, उनका कोर्स भी आता है, तुम कोर्स से भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरे फेवरेट टीचर थे, तुम्हें भी मजा आ जाएगा पढ़ के, तीनों टीचर बढ़िया है वहां पे, ठीक है। पीडब्ल्यू भी ठीक है, लेकिन तो अगर मोहित त्यागी सर्च करके देख ले, तू एक्सपेरिमेंट कर ले, दो तीन लेक्चर उनका देख, दो तीन लेक्चर पीडब्ल्यू का देख, लोकल मत जाना, मेरे सजेशन में लोकल मत जाना भाई। प्रॉपर भाई सीएस वाले हैं क्या? हाँ ये सीएसई का है। यश भाई आई एम कंप्लीटिंग माई 11 बाई मार्च 10, सो शुड आई फिनिश कंप्लीट और स्टार्ट 12 बिफोर फुल 11? देख मैं तुझे एक चीज बताता हूँ यश, ठीक है, रुक जा मेरे साइड में देख स्क्रीन पे। हाँ साई मैं तेरी बात अभी लूंगा, एक मिनट यश को मैं बता दूँ, सुन लो तुम लोग भी। अगर तेरा 11 तू फुल करने में गया तो तेरा साथ के साथ 12 कुछ ना कुछ छूट जाएगा, एंड 12 छूट जाएगा तो बैकलॉग क्रिएट होगा, एंड बैकलॉग क्रिएट होगा तो प्रेशर बनेगा, तो तू एक काम कर 11 फुल मत कर, तो 12 शुरू कर दे, एंड जो प्री रिक्वेस्ट होते हैं ठीक है वो तू 11 जो जो तुझे 11 से प्री रिक्वेस्ट चाहिए वो तू पढ़ ले, एंड फिर 12 शुरू कर दे, ताकि तेरा बैच के साथ साथ तू आगे बढ़ता रहेगा, एंड तेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा और बैकलॉग भी कम रहेगा, एंड फिर तू 11 भी साथ के साथ फ्री टाइम में या फिर 11 के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर सकता है बीच बीच में, ठीक है यश? भैया बता दो यार क्या, एक बार फिर से पूछ। म्यूजिकल दुनिया साई उपेंद्र, ब्रो आई कैन गेट, कैन आई गेट 120+ इन जेई बाई स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू टूडे ऑनवर्ड्स? मिल सकता है लेकिन जनवरी नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करो, अप्रैल अटेम्प्ट। हाँ Physics is the most scoring फिजिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग एंड physics केमिस्ट्री। chemistry कभी धोखा नहीं देती, मैथ धोखा देती हाँ है। मैथ्स भाई नसीब का खेल है, ठीक है, एंड मैथ्स में तुम कम ही क्वेश्चन सॉल्व करके अगर तुम्हारा परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा, ठीक है। वेन टू फिनिश 12 एंड वेन टू एंड इट, भाई तू जितना जल्द से जल्द शुरू कर दे, फिर जितना जल्द से जल्द खत्म कर दे उतना बढ़िया रहेगा। जेई मेन से अगर तुम मेरे ख्याल से 1 महीना पहले भी अगर खत्म कर दिया तो बहुत तू अच्छे पोजिशन पे आ जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही लगता है मुझे, ठीक है यश। एंड बताओ भैया बीटेक का कहाँ आया सिटी? हाँ बीटेक का नहीं आया, मैं ऊपर बता चुका हूँ कि बीटेक का नहीं आया, मैं पोल एक बार बदल देता हूँ, तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि बीटेक कहाँ गया, बी आर्क का आया, ठीक है, बी आर्क का आया है, मैं पोल एक बार डाल दू, 1 मिनट रुक जाना। एक मिनट रुको मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ आओ भाई बीटेक, हाँ भाई सिटी में बीटेक वालों का नहीं आया। हाँ राघव बता मुझे, हाउ मेनी मार्क्स कुड आई गेट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टुडे ऑनवर्ड्स?
जनवरी में अगर तू स्क्रैच से शुरू, मतलब तू जीरो पे है, तुझे बिल्कुल नहीं आता 11th 12th, मुझे इतना बता कि तुझे कुछ तो आता होगा, इतना बता मुझे ब्रो। डेली 7 लेक्चर इज इट गुड? नहीं भाई, डेली 7 लेक्चर इज वेरी मच, बहुत ज्यादा है भाई। मेरे हिसाब से 4 मैक्स टू मैक्स बहुत बढ़िया होता है, 7 तो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है। देख मेरे समय पे ना, जो मेरा पेपर था शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ था, एंड शायद 160 या 170 पे 98 बना था, ऐसे कुछ 98 98.5 के आसपास ऐसे ही था, मुझे याद नहीं। साई उपेंद्र, हाउ मेनी मार्क्स कुड आई गेट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम, बता दिया मैंने। बीटेक वाली स्किप स्लिप कब आएगी? आ जाएगी यार, 2 3 दिन में ही आ जाएगी, ठीक है? या तो सीधे एडमिट कार्ड आ जाए, कुछ ठीक नहीं जेई मेंस का, वैसे ही वो लोग धोखा देते रहते हैं। लास्ट ईयर भी रिजल्ट के नाम पे 12 2 बजाते हैं, फिर अगला दिन, फिर अगले दिन करते करते भाई बहुत दिन बाद देते हैं। भैया बी ए आर्क एग्जाम और बीटेक एग्जाम कैसे बैलेंस करेंगे इफ दे हेल्ड ऑन सेम डे? सेम डे नहीं होगा, वो अलग अलग दिन ही होगा। 24 को है बी आर्क, एंड उसके बाद है तुम्हारा जेई मेन्स 27 से, 27 29 31 1 ऐसे ही आया हुआ, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट डेज में, ठीक है? हाँ यार, तुम लोग पोल पे जवाब दे रहे हो मुझे, तुम लोग एक भी नहीं क्यों बना रहे हो मॉक? मॉक तो करते रहो यार, एनटीए अब तो नाइट टेस्ट एजेंसी बन चुका है। सही बात है यार, साई को सही कह रहा है। मैं भाई पिछले एक साल 3 साल से देख रहा हूँ, सब कुछ ही रात ही में कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, कोई नहीं, सब कुछ ही रात में कर रहे हैं यार। तुम लोग ऐसे मत करो यार, तुम लोग एक भी नहीं बना रहे हो मॉक। मॉक बनाओ ठीक है, नीचे लिखो, अभी चैट में लिखो, अगर तुम लोग मॉक बनाओगे जाके कल ही पहला मॉक दो, लिखो कि हाँ मैं मॉक दूंगा या दूंगी, यस यस स्पैम कर दो। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ठीक है, मॉक पेपर पीवाईक्यू का ही देना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक देना है ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक देना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक देना है। कहाँ पे मिलेगा? टेस्ट माई प्रेप। आप लोग मिल सकते हैं, मेरा पुराना रूममेट भी आ गया है, ये भी जेई टॉपर है आईटी ब्रांच का। गाइस यही है ठीक है, देख सकते हैं आप इसे, हो गया। भाई मैं पूरा जेई मेन का पेपर उठाता हूँ, वो मॉक की तरह देता हूँ, जिसमें मेरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ यही करना है सबको, जो साइको बोल रहा है ना वही करना है सबको, वही करना है सबको। देख लेना ना शुरू में जाके, मैं देख चुका हूँ। देख रहे हो, तुम लोग भी ऐसे पढ़ के कॉलेज में आओगे तो यही सब होगा, मजाक मस्ती बकचोदी। मैं अपनी जेई मेंस में कितनी रैंक आई थी? अंडर 20 थी मेरी। हाँ तो जाके मॉक दो यार ठीक है, मैंने जो ऐप बताया उस पे दो, मैंने जो पीवाईक्यू दो, सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन में कम से कम तुम 3 मॉक भी दे दो ना तो बहुत बढ़िया है। एंड मुझे चैट में बताओ तुम्हें मॉक देने में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स कट गए तो बताओ, मैं तुम्हें बढ़िया तुम्हें अच्छा, तुम्हें ये चाहिए कि कैसे एक मॉक में प्रोसीड करते हैं पेपर देते समय, कैसे तुम पेपर में प्रोसीड करते हो? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एनएसयूटी, एनएसयूटी दिल्ली, अरे तुम लोग देख लो ना, जाओ स्टार्ट कर दो, मैं देख रखा हूँ, जाओ ना यार। देखो तुम लोग भी ऐसे पढ़ के आओगे तो यही सब कॉलेज में बकचोदी देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, मैं ही देख लो गाइस। इसीलिए पढ़ाई करो भाई, मोटिवेशन के लिए। भाई पूरा पार्क एकदम ही लाल, बाकी अंदर आके भी पढ़ाई करना ही है, बस ठीक
चार शब्द आप भी लिखे भाई, कैसे बचना चाहिए, प्लेसमेंट तो इजी हो जाता है यार, कैसे पकड़ाना चाहिए। चलो चलो ठीक है ठीक है, फिर एक छोटे से कटोरे में हमको भी दे दो, देने का मन है तो। हाँ केमिस्ट्री हार्ड जा रहा है। सुनो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ अंजलि सिंह, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने ही चैनल पे, रुक जाओ तुम्हें दिखाऊं, एक मिनट मेरे स्क्रीन पे देखना ठीक है। देखो यहाँ पे दो वीडियोस है, अर्जेंट 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री, डोंट मिस दिस, ये जरूर देख के जाओ, क्योंकि मैंने इसमें केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है, रिवीजन प्लान बताया। अब तो 10-20 दिन बचे नहीं है, 10 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। एंड पेपर फोड़ दोगे अगर ऐसे मॉक टेस्ट किया तो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया यहाँ पे, मैं तुम्हें एक बार फिर से भी लाइव चैट में बता देता हूँ, चिंता मत करना। एंड गाइस अगर तुम्हें पसंद आ रहा स्ट्रीम तो लाइक वाइक कर देना स्ट्रीम, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी कैसे होता है, जैसे टीचर्स करते हैं कंप्लीट मैथ्स इन वन वीडियो और 8-9 घंटे, तो इसमें डाउट क्या था बता, तो वो देखने चाहिए। देख कंप्लीट मैथ्स इन वन वीडियो 8-9 घंटे वाले मेरे हिसाब से नहीं देखने चाहिए। एक मिनट शोर हो रहा है, मैं गेट लगा रहा हूँ। हाँ एक मिनट रुक जाओ गाइस। हाँ देखो मेरे हिसाब से तो नहीं देखना चाहिए, बिकॉज तुम 8-9 घंटों के लिए जाओगे, वीडियो देखोगे, ठीक है, तुम्हारा दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, तुम वो कर सकते हो कि बीच बीच में पॉज कर लिए। लेकिन पता है मुझे फिर भी उसमें डाउट आता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसमें तुम्हें पूरा कवर किया जाता होगा, तुम्हारा मतलब बढ़िया से तुम्हें पूरा कवर किया जाता होगा। उससे बेटर मैं समझता हूँ कि तुम वन शॉट जाके देख लो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, ठीक है। या फिर कंप्लीट मैथमेटिक्स इन 8-9 आवर नहीं हो सकता यार, तुम्हें भी पता है वो कभी कवर नहीं हो सकता है, ठीक है, वो फंसाया भी जाता है कभी कभी, और तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है सिलेबस में, तो तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। पहले तो दिमाग से टेंशन हटाना शुरू करो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ट्रैप्स में मत फंसो, ठीक है, आराम से जाओ, चिल मार के पेपर दो। हाँ सम रिविजन एंड सम प्रैक्टिस के लिए तुम देख सकते हो, बहुत बढ़िया उसके लिए, तो अगर तुम्हें रिविजन या प्रैक्टिस के लिए जाना है तो तुम जरूर जाओ उन वीडियोस पे, क्योंकि वो फिर बेस्ट चीज हो जाते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें तुम्हें ये बताऊं कि कैसे मॉक टेस्ट में मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए माइंडसेट कैसे बनाते हैं, एक बार बताओ, बताओ तुम लोग बताना है तो बता दूंगा। सर आई कंप्लीटेड फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट आई स्टिल डोंट गेट कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट मॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल If you don't get any confidence to attempt mock, why? Because there are many students who are underconfident on their skills, ठीक है? तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को underconfident समझ के ही mock नहीं देते हो। तुम जाओ पहले mock दो, ठीक है? तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे skills किस level पे। पहले तुम mock तो देके आओ। पहले ही तुम assume कर रहे हो कि तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है एक वीडियो बन जाएगा, मस्ट डू चैप्टर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, साइको सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ये वीडियो, मे बी आज रात या कल सुबह सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मस्ट डू टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए, डिटेल वीडियो होगा, देख लेना, ठीक है। कोई नहीं आ रहा भाई। हाँ हाँ तो अफेक्शन रिवर, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तू क्यों डर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं तेरी जगह पे होता ना, पहले मैं मॉक देता एंड फिर मैं डिसाइड करता कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ पेपर देने के लिए, अब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मॉक्स में नंबर आएंगे उससे डर लग रहा है, उससे तो बेटर है ना कि टेस्ट में नंबर आ जाए सीधे, उससे पहले मॉक में टेस्ट कर लो खुद को। भाई मॉक बहुत हेल्प करता है भाई, जाके दो। अच्छा जरा ये बताने, जो पोल में एक भी नहीं जिसने जिसने भी मॉक दिया है पर वीक, नहीं जरा बताना कौन कौन हो यहाँ पे। हाँ मोहित वर्मा कट ऑफ के लिए क्या बताना बता। देख मैं एक चीज बताता हूँ, मोटा मोटी चीज बताऊंगा मैं, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी यूट्यूब पे एंड बहुत टाइम वेस्ट भी करती है भाई। मैथ्स से रिलेटेड
बताओ इजी चैप्टर्स। अमल मैं नेक्स्ट तेरे पे आ रहा हूँ, पहले मोहित को बता दूँ कट ऑफ के लिए। अगर तुझे रेस्पेक्टेड एनआईटी या फिर IIIT गवर्नमेंट कॉलेज में जाना रेस्पेक्टेड भी वो भी मीडियोकर ब्रांच या फिर स्लाइटली गुड ब्रांच 95% विल बी योर स्कोर टू टारगेट। ठीक है, मैं कैटेगरी वैटेगरी लेके बता रहा हूँ, अगर तुम जनरल के हो तो 97 ले लो, ठीक है। एंड अगर तुम लो एनआईटी में जाना चाहते हो विद गुड ब्रांच तो 93 to 95, ये फॉर जनरल, ये फॉर कैटेगरी। एंड अगर तुम लोअर एनआईटी एंड लोअर ब्रांच तो 92 93। एंड बहुत अच्छा एनआईटी 98+, एनएसयूटी डीटीयू 98+ जिसमें मैं हूँ, ठीक है। भैया कोई भी एनआईटी में सीएससी चाहिए Tier 3 SC कैटेगरी। देख एस्पिरेंट आयुष, पहले बात ये पेपर जाके दे तो इतना, और तुझे ये सब करना है तो कॉलेज प्रवेश करके एक वेबसाइट होगा होता है उस पर जाके चेक कर ले, क्योंकि मैंने मेरा दिमाग बहुत पक जाता है ये सब करने में। वैसे मैं बता दूं, कोई भी एनआईटी चाहिए तुझे सीएससी में Tier 3 SC कैटेगरी। Tier 3 NIT मतलब एनआईटी अगरतला अगर तुझे चाहिए, और तू एससी कैटेगरी है तो मेरे हिसाब से 85% भी बहुत होंगे तेरे लिए, ठीक है। या फिर 90% नहीं, 85 नहीं, 85 नहीं, रुक जाओ, 90 to 93 हो जाएंगे, 90 to 93 पे हो जाएंगे तेरे, जिसमें मैं हूँ वर्स्ट पर्सनल। भैया इज देयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, कास्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। हाँ तो अमोल, मैथ्स के इजी टॉपिक चाहिए ना तुझे? देख मैंने मैथ्स का डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ठीक है, मैंने मैथ्स का एक वीडियो भी बना रखा है, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने खुल चुका है ये रहा। तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स इधर होंगी। हाँ सम प्रीवियस एनालिसिस मैंने मैथोन को सर से लिया था, अनूप सर से, तुम लोग जानती हो कि उनको बहुत लेजेंडरी सर है वो, उनके एनालिसिस बहुत बढ़िया होते हैं। टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स एंड इजी चैप्टर्स, पहले तो टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स देख लो। एलजेब्रा 41% ऑफ पेपर आता है, ठीक है, आया था पिछले साल। बाइनोमियल, फिर सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10% आता था, स्ट्रेट लाइन, सर्कल जो कि बहुत ईजी होता है, पैराबोला बहुत इजी होता है, इलिप्स हाइपरबोला में थोड़ा दिमाग खराब होता है लेकिन ये भी इजी आता है जेईई मेंस में। कैलकुलस 29%, थोड़ा टफर साइड है। वेक्टर एलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे वेक्टर्स का क्वेश्चन आता है, बहुत तुम इसमें नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टॉप चैप्टर्स देखो अब, 3D ज्योमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसिंग, सब आसान भी है, वेक्टर एलजेब्रा, पीएनसी, फंक्शंस, पीएनसी किसी को मुश्किल भी लग सकता है, प्रोबेबिलिटी भी मुश्किल लग सकता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन भी इजी है भाई लेकिन मुश्किल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन भी मुश्किल लग सकता है, बाकी सब इजी है, मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, सेट रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सब, मैथमेटिकल रीजनिंग, तुम लोग सिलेबस भी देख लेना कौन सा हटा है कौन सा नहीं हटा है। रुक जाओ, चैट्स मिस हो गए बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ। भाई मैं 2025 का हूँ, एक मिनट रुक जाओ। भैया कोई भी एनआईटी में सीएससी चाहिए थी, हो गया ये, मैं 2025 का हूँ, 11 बर्बाद हो गया है, MSI अभी रेगुलर स्कूल में हूँ, चाहे मैं 12th या मैं डमी स्कूल लूँ? 12th में डमी स्कूल ले ले एंड फिर तू फुल अपना पढ़ाई फोकस कर ले जेई की तरफ, फुल पढ़ाई कर, ठीक है, तो तेरा हो जाएगा, 2025 का है तू, आराम से हो जाएगा, अभी बहुत समय है, एक साल बहुत होता है भाई, 1-1.5 साल। भाई मैथ्स का बताओ ना, बता दिया मैंने भाई, 50K रैंक कितने मार्क्स पे बनेगी? 50K रैंक्स मेरे हिसाब से, अगर टफ पेपर हुआ तो फिर 93% पे बन जाएगी, एंड उसके लिए नंबर चाहिए होंगे तुझे 120 से 130, अगर टफ पेपर हुआ तो 50K बन जाएगा। अगर इजी पेपर हुआ तो 150 से 170 के बीच तुझे लाना होगा, 50,000 रैंक के अंदर लाने के लिए, अगर इजी पेपर हुआ तो, यानी वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। भैया कैन आई गेट गुड मार्क्स इफ आई स्टार्ट माई जेई प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ? कैन आई गेट 99%? यस यू कैन गेट, बट इन अप्रैल अटेम्प्ट, अगर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखा है तो, लेकिन अगर कुछ लेवल तक तुम पहुंच चुके हैं तो 99 तो नहीं, 98 टारगेट कर लो,
तुम्हारा आ जाएगा, एंड कॉन्फिडेंट रहो कि तुम ले आओगे, ठीक है भाई। कटअप क्लियर कैसे करो, चैप्टर्स बता दो। चैप्टर्स देख, मैंने अलग अलग वीडियो केमिस्ट्री और मैथ्स के बता रखे हैं, ठीक है, तो तुम जाके उस पर चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर इजी इजी चैप्टर्स निकाल के पढ़ लो। हाँ राघव, मैं यही बता रहा था उसको कि अप्रैल में आ जाएगा भैया। प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं 16 को, तो जेई का फ्लो टूट जाएगा प्रैक्टिकल्स के लिए, क्या करूं। कुछ नहीं यार, प्रैक्टिकल्स के लिए तो पढ़ना ही क्यों है। मैंने अपने प्रैक्टिकल्स के लिए नहीं पढ़ा था, मैं अपने समय पे 1-2 दिन पढ़ प्रैक्टिकल दे, दोबारा जेई शुरू हो जाए। भाई जेई का बुखार होना चाहिए, तब नहीं टूटेगा भाई। आर्यन घर पर हमारा पीए यार, पीए पता नहीं कहाँ है, उसको बोल ना आने के लिए। भैया कैन आई गेट गुड मार्क्स इफ आई, ओके भैया। हाँ जेई जेई भी, उसमें भी अभी मेरे को काम करने की जरूरत है। हाँ ना, तो जेई को फोकस्ड रख, तो टाइम टेबल को जरा शेड्यूल कर जिससे तू निकाल दे। सॉल्व का कोई डिसेंट तरीका बता सकते हो मथुरा मालवी? हाँ एचसी वर्मा सॉल्व करने का मैं तरीका बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा उसके लिए अलग टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। तो तू एक काम कर, या तो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, या फिर अलग से कुछ वीडियो वीडियो बना दूंगा मैं। भाई 50K रैंक कितने मार्क्स पे बनेगी? वैसे देख मथुरा मालवीय, मैं एक बात बताऊं, एस सी वर्मा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, उन्हें बहुत डेप्थ में समझना जरूरी है, बहुत कॉन्सेप्ट वाले चीज है वो सब, उन्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर सिंगल करेक्ट को सॉल्व करते हैं, फिर थ्योरी को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मैंने सीक्वेंस अपने समय में सॉल्व किया था। भाई 50K रैंक कितने मार्क्स पे बनेगी, मैंने बता दिया। भाई केमिस्ट्री का रिसोर्स बता दो बस। देख केमिस्ट्री का रिसोर्स मैं क्या बताऊं यार, पहले तुझे क्या करना है ये बता, तुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि थ्योरी समझना है? फिजिक्स केमिस्ट्री करके ही मॉक्स में 130 आ रहे हैं, मैथोन के मॉक में। मैथ्स पूरे साल ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसमें बस 10-15 मार्क्स ही आते हैं, तो क्या मेरी ओवरऑल परसेंटाइल में इफेक्ट आ सकता है क्या जेई में? नहीं। और अच्छा किया तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर लिया, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा नंबर नहीं लाना रहता, सही बता रहा हूँ? हाँ परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा नंबर नहीं लाना पड़ता मैथ्स में। थैंक यू भाई फॉर योर सजेशन, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत तो है, वन शॉट कर एंड रीजन बता क्यों नहीं आ रहे। राघव अगर तुझे थ्योरी करनी है तो तू बुक से कंफर्टेबल है या वीडियो से? अगर तू वीडियो से कंफर्टेबल है तो वन शॉट जाके देख, या फिर क्वेश्चन डिस्कशन जाके देख, उसमें भी थ्योरी क्लियर करा देते हैं वो लोग, नहीं तो तू जाके वन शॉट देख। वन शॉट ही मैं बताऊंगा सबको अभी तो इस समय। भैया क्लास 11 का एग्जाम आ रहे हैं, मैं स्कूल एग्जाम में फोकस करूं या जेई में? जेई में भाई, क्लास 11 तेरा बोर्ड में ऐड नहीं होगा। वैसे अगर तू जेई में फोकस करेगा तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो क्लास 11 के भी नंबर तेरे अच्छा आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बचा हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तो भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं था अपने समय में, फिर भी आ गया बढ़िया। हाँ तो वीडियो में वन शॉट देख भाई। अभी मैं सिलेबस कंप्लीशन और शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, और मॉक कल से दूंगा रोज, और बताओ क्या करने की जरूरत है? बोल। सिलेबस सिलेबस कंप्लीशन तो भाई देख ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, अप्रैल तक आराम से कर सिलेबस कंप्लीट, इसमें से परसेंटाइल लाने की कोशिश कर, अपना एक टारगेट लेके चल। एंड शॉर्ट नोट रिवाइज कर रहा हूँ और मॉक कल से दूंगा रोज, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉक को एनालाइज कर बढ़िया से, ठीक है, मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। इट्स ओके डीएम भाई, शॉर्ट नोट्स हाँ रिवाइज कर रहा है, बहुत सही, तो सही कर रहा है सब चीज, इसके अलावा और क्या ही करेगा। इसके अलावा अगर जैसे क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट में नहीं होता है तो जाके वीडियो डिस्कशन देख सकता है, ताकि तुझे समझ आए कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को, जैसे बताता हूँ मैं, जैसे हम लोग को, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हम लोग को कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो यही दिक्कत आता है कि हाँ भाई मैंने तो टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मेरे से सॉल्व हो रहा है यार, वही दिक्कत आता है, ठीक है। इसीलिए वीडियो डिस्कशन उसके लिए बढ़िया, जहाँ पे टीचर तुम्हें बता रहा हो कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ जैन अटेम्प्ट में बेस्ट ट्राई करो, एंड फिर अगर फेल भी होगा ना तो कोई बात नहीं, सेकंड चांस है, अप्रैल में फोड़ देना, ठीक है, अप्रैल में फोड़ देना।
एंड गाइज यार तुम लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो एक बार स्ट्रीम, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लियो तो सब्सक्राइब रहना, क्योंकि अभी से लगातार कंटेंट आएगा एंड मैं तुम्हें काउंसलिंग के समय भी हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एनी आइडिया, 130 से 140 मार्क्स पे इजी शिफ्ट रहा तो कितनी परसेंटाइल आ सकती है जैन अटेम में? अगर इजी शिफ्ट रहा है 130 से 140 आया तो मेरे हिसाब से 90 क्रॉस हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी हुआ तो 90 पे अटक जाएगा मेरे हिसाब से, एंड थोड़ा कम इजी हुआ तो 92-93, 95 क्रॉस करना मुश्किल है, 92-93 एवरेज पे रहा तो 94। ब्रो हाउ मच, लेकिन तो अभी एस्पिरेंट आयुष इतना मत सोच, ठीक है, पढ़ने पे ज्यादा फोकस कर, खाली एक टारगेट बना ले एंड फिर पढ़ने पे ज्यादा फोकस कर। ब्रो हाउ मच पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट शुड गेट इनटू सीएस ब्रांच? हो जाते हैं यार, जितने मतलब सीट्स होते हैं उतने तो हो जाते हैं, मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। बेसिकली मॉक में 90 क्वेश्चंस होते हैं जो बने, फिर एनालिसिस के टाइम पर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऐसे मेरे को ठीक लगता है। तो आप बताओ, ठीक है फिर सॉल्विंग सेशंस देख लूं? नहीं, ये ज्यादा ठीक है कि तुम मॉक में क्वेश्चंस बनाओ, ये ज्यादा बेटर है। सॉल्विंग सेशंस तब देख जब तेरे से खुद से ना हो, अगर खुद से हो रहा है तो फिर मॉक में ही कर। कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है ना तेरे से, 90 में से अगर 30 भी हो रहा है तो मॉक ही कर, ठीक है, सॉल्विंग सेशंस फिर मत देख। हाँ जब भी गाइडेंस चाहिए होगी तब तू देख सकता है सॉल्विंग सेशंस। फिर मैंने 11 पीसीबी लिया, देन आई चेंज टू पीसीएम, सो आई एम एलिजिबल फॉर जेई मेन? यस यू आर एलिजिबल फॉर जेई मेन। आई डोंट नो अदर्स बट आई एम अ पक्का सब्सक्राइबर भाई काउंसलिंग में, ठीक है भाई ले लेना हेल्प। हाँ तो मॉक बनाते रहो, ठीक है, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हैं, आपकी गाइडेंस चाहिए। ठीक है यार मैं गाइड कर दूंगा, मैं ऐसे ही शाम के वक्त मैं लाइव आता हूँ बेसिकली 9-10 बजे के बाद। एंड तुम लोग एक बार एग्जाम देके आओ, फिर चिल सेशन भी रखेंगे रात को, ठीक है, रात को चिल सेशन भी रखेंगे, 12 बजे के बाद होता है वो, ठीक है, एंड वो प्राइवेट सेशन होता है, उसमें फुल मौज मस्ती बकचोदी होती है, उसका बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। तुम लोग आओ, डांस वांस भी करेंगे, गाना वाना गाएंगे, रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है, एग्जाम दे दो पहले, उसके बाद करेंगे चिल सेशंस, ठीक है। भैया वेदांतु के वन शॉट अच्छे हैं या पीडब्ल्यू के? पीडब्ल्यू के, लेकिन ऐसे कुछ कह नहीं सकते, टीचर पे भी डिपेंड करता है, तू अलग अलग देख सकता है यार। अब अनलेस एंड अनटिल तू कोई टॉक्सिक फैन नहीं है, तो अगर तू टॉक्सिक फैन है फिर तो मैं क्या ही बोलूं। भाई आप क्या डेली लाइव आओगे? आई होप डेली आऊं, नहीं डेली नहीं भी आऊंगा तो 2-3 दिन पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि डेली आऊंगा तो तुम लोग का भी टाइम वेस्ट ही जाता है, ठीक है। अभी जैसे अगर तुम लोग को और कुछ नहीं पूछना तो चले जाओ पढ़ने, एंड और कुछ पूछना है तो फिर पूछ लो। आयुष यादव भाई बस कुछ चैप्टर तैयार किए हैं हाई वेटेज वाले, और कैलकुलस बिल्कुल नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलस नहीं आता तो उससे ज्यादा वो वैसे भी टफर साइड है, एंड टफ क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, तो 90% प्लस आ सकती है तेरे, अब डिपेंड करता है बाकी प्रिपरेशन पे, अगर बाकी बाकी प्रिपरेशन अच्छा है तो आ जाएगा। भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्या करूं? आकाश पुजारी, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यूट्यूब पे जाओ, वीडियो डिस्कशन सर्च करो, वीडियो डिस्कशन देखो, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई मेरे, तुम चैनल पे जाओ वहाँ पे देखो, मॉक टेस्ट कैसे देते हैं वो भी देखो, एंड वीडियो डिस्कशन जाके देखो। अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वीडियो डिस्कशन देखोगे, उसमें टीचर बताया कैसे अप्लाई करते हैं, तभी तुम्हें समझ आएगा, तुम भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सर दे हैव रिमूव्ड 7 चैप्टर्स फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम वेयर दे विल आस्क दोस क्वेश्चंस नाउ? अगर उन्होंने रिमूव कर दिया तो फिर वो नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या परसेंटाइल भाई? मेरी 98, ठीक है, अगर मतलब उन्होंने हटा दिया है सिलेबस में से तो उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक मिनट रुको सर, भाई फेयरवेल मिस कर रहा हूँ, बस अब रैंक लानी है, रिपीट अटेम्प्ट नहीं देनी है, एडवांस के लिए टाइम चाहिए। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लो, फिर एडवांस पे सीधे लग जाना। भाई 150 मार्क्स आ रहे हैं अभी, 10 क्वेश्चन नेगेटिव, 220 मार्क्स चाहिए। तो 10 क्वेश्चन नेगेटिव क्यों कर रहा है भाई? गर्व मत करना, तो एक काम कर, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई कर ले, लेकिन
नेगेटिव में मत जा, उसी को कम करने की कोशिश कर पहले तो, क्योंकि उसी तरह कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा होगा मॉक देखने के बाद, मॉक का पेपर देने के बाद तेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा क्योंकि तू नेगेटिव कर रहा है बहुत ज्यादा। फिर तो बर्थडे है मार्क भाई, एग्जाम कब है उसकी डेट कब पता चलेगी भाई? एग्जाम का डेट आ गया है मंजूश्री पाटिल, एग्जाम का डेट आ गया है 27। पब्लिक नोटिस नहीं पढ़ा है क्या? 27, 29, 30, 31 एंड 1, ठीक है? बहुत होता है दादा, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हाँ, हो गया। तुम लोगों को पब्लिक नोटिस में स्क्रीन शेयर करके बताऊं क्या? बताओ ब्रो, 2023 के क्वेश्चंस लगा लिए, मॉक किसके दूं? और मॉक में अभ्यास वाले मत दो भाई, एनटीए अभ्यास वाले छोड़ दो। तुमने अगर 2023 के सारे क्वेश्चंस बना लिए तो एक काम करो, एक ऐप है एलेन का, टेस्ट माई प्रेप, उस पे जाओ एंड उस पे मॉक पेपर देना शुरू करो, 2022 का, 2021 का, 2020 का, ठीक है? मॉक देना शुरू कर दो उस पे, इन सबको तुम एज अ मॉक दे सकते हो प्रीवियस ईयर को, ठीक है? कहाँ गया यार चैट, ऊपर चले गया, रुक जा। मंजूश्री पाटिल ने बता दिया भाई। हाँ भैया, मॉक अटेम्प्ट और एनालिसिस और नेगेटिव कैसे कम करूँ वो बता दो। मॉक अटेम्प्ट तो मैंने एक वीडियो बना चुका है, उसमें तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है मैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाना। एनालिसिस और नेगेटिव कैसे कम करूँ वो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है वो बता दो, सबका पहले आंसर करने के बाद रुक जाओ। मॉक में स्ट्रेस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि तेरा नेगेटिव हो जाए, तो उसको कम करना, कोशिश कर। वेयर कैन आई गेट गुड मार्क्स इफ आई स्टार्ट दिस नाउ एंड कैन आई गेट 99? नहीं हो सकता भाई, टू बी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अप्रैल पे फोकस करना शुरू कर दो, इसमें एटलीस्ट 95-96 ले आओ कि तुम्हारा अच्छा NIT सिक्योर हो जाए। उसके बाद एडवांस भी पढ़ो, मेंस भी पढ़ो, अप्रैल में छोड़ दो। रुक जा यार, वो किसका था, साइको, रुक जा भाई। शिफ्ट किस डेट पे होगी वो कब पता चलेगा? अच्छा, वो कुछ दिन में आ जाएगा, वो भी कुछ दिन में, या फिर कुछ दिन में एडमिट कार्ड आ जाए सीधा। एनटी का कोई ठीक नहीं भाई, एनटीए का वो कुछ भी कर लेते हैं भैया। मैं आर्यन का ही बच्चा हूँ दिल्ली से, साला स्कैम हो गया कुछ। कोई नहीं भाई, भाई होते रहता है भाई, मेरे साथ बहुत हुआ है, तुझे क्या लग रहा है तेरे ही साथ होता है सब? पेपर 5 दिन है भाई, ये तो शिफ्ट ज्यादा रहेंगे ना। हाँ, पर शिफ्ट 25 ज्यादा रहेंगे। हाँ भैया, थैंक यू, ठीक है, कोई नहीं। मैं आकाश इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरे को 150 आ रहे हैं, बस केमिस्ट्री में ही कम आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ही फोकस करने की जरूरत है भाई। बहुत बढ़िया टेस्ट ओवरऑल ऐप के लिए। बढ़िया है, सुनो, एम्बाइब भी बढ़िया। मैं अभी साइको का एक चीज बता दूं कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, किस माइंडसेट से करते हैं, उसका मैंने एक बढ़िया बना रखा है यहाँ पे PDF, ठीक है? रुक जाओ तुम लोग प्लीज, अभी कुछ समय मैं चैट नहीं देखूंगा, ठीक है? पहले मैं बता दूं बढ़िया से। देखो, सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है? हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट स्कोर स्टक्ड। तुम लोग रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे मॉक अटेम्प्ट करते, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं एग्जाम सिटी कहाँ से चेक कर सकता हूँ? अभी नहीं आया बीटेक का, अभी नहीं आया है भाई। केमिस्ट्री में 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स भी ठीक है, और उसको बढ़ा 80 तक लेके जा, तू कर सकता है, ठीक है? प्रैक्टिस से ही होगा भाई। मेरे लास्ट ईयर 75% नहीं हुआ बोर्ड में, सो IIT अप्लाई नहीं कर पाऊंगा अब, तो या तो तू इम्प्रूवमेंट दे दे, या तो फिर इम्प्रूवमेंट ही दे सकता, और क्या? तो इम्प्रूवमेंट दे दे अगर तेरा अच्छा इम्प्रूवमेंट, तो तू लास्ट ईयर था ना, पता नहीं यार अब कैसे होगा भैया। कितने मॉक दो? अभी एक भी नहीं दिया, अब देख 10 दिन बचा है, 3 मॉक तो दे ही दे। एक मॉक दे 2 दिन एनालिसिस, एक मॉक दे 2 दिन, एक मॉक दे 2 दिन एनालिसिस। रुक जाओ, बताने दो। ट्राई टू सिट इन द टाइम वेन रियल एग्जाम विल हैपन, ये तो तुम्हें बेसिक पता ही होगा, 9 से 12, 3 से 6। ट्राई टू मेंटेन एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, एग्जाम लाइक एनवायरमेंट बनाना बहुत जरूरी है। सेट टाइम लिमिट 15 मिनट लेसर देन द गिवन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 2 घंटा 45 मिनट में ही पेपर देके उड़ जाना, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट पहले ही उड़ जाना,
इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तुम यही दिमाग में लेके चलो मेरा पेपर है 2 घंटा 45 मिनट का, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन इन ए फोर साइज शीट का पेपर लो, उस पर ही सॉल्व करना, ठीक है। बहुत सारे शीट ले लो, उस पर ही सॉल्व करना। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आता है किस किस मैं सेक्शन से पहले शुरू करूँ, केमिस्ट्री से करूँ या मैथ से करूँ या फिजिक्स से करूँ। टू बी ऑनेस्ट, इट डजेंट मैटर अगर तुम्हारा माइंड से स्ट्रांग है तो, क्योंकि तुम हम हर सेक्शन में फंसोगे। एंड पता है क्या होता है पेपर के दौरान, अगर जब जब तुम क्वेश्चन में फंसोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, एंड जब जब तुम क्वेश्चन में नहीं फंसोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा, एंड जब जब कॉन्फिडेंस अप होगा तुमसे और टफ क्वेश्चंस बन जाएंगे बहुत इजीली, एंड जब जब डाउन होगा तुमसे इजी क्वेश्चंस भी गलत बनने लगेंगे, इसीलिए नेगेटिव आता है। कौन था वो जिसका नेगेटिव आ रहा था, सुन लो भाई। तो इसका इजी सॉल्यूशन यही है, सॉल्व लेस स्किप मोर, सबसे इजी सॉल्यूशन ये है। कम सॉल्व करो स्किप ज्यादा करो, ठीक है। क्वेश्चंस को स्किप ज्यादा करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, अगर टफ है तो छोड़ दो, स्किप नहीं करूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 टफ है, छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये इजी है चलो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अरे ये तो एवरेज क्वेश्चन है मैं इसमें थोड़ा सोचूंगा तो हो ही जाना चाहिए, इसको मार्क्स फॉर रिव्यू डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। ऐसे करते करते तुम सारे इजी पेपर सॉल्व कर दोगे, तुम ऑलरेडी 1 लाख बच्चों के अंदर में आ चुके हो, एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस हाई होने के कारण क्या होगा, तुम और भी फिर एवरेज को पेपर्स को और भी इजीली सॉल्व कर लोगे, एंड एवरेज पेपर सॉल्व हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो हाई हो गया। अब तुम एवरेज क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे और वो भी हो जाएगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में आओगे तो टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व कम करना है, स्किप ज्यादा करना है, और फिल्टर आउट करते रहना है, हर राउंड में फिल्टर आउट करते रहना है, स्किप ज्यादा करो सॉल्व कम करो। भैया मॉक टेस्ट कहाँ पर दें, टेस्ट माई प्रेप एम्बाइब उसने, और भी लोग बता देंगे तुम्हें यहाँ पे। मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैथ्स में भाई जरूरी भी नहीं है लाना, ठीक है। रुक जाओ मैं थोड़ी सांस फूल गई है, रुक जाओ। ये बताओ दिन में कितना घंटा तुम लोग बैठ पा रहे हो लगातार, पहले तो ये बताओ। मॉक टेस्ट कहाँ पे दें भाई, मॉक टेस्ट तुम टेस्ट माई प्रेप ऐप पे दे सकते हो, बहुत सारा ऐप है, ठीक है। एम बाई वेग ने कहा था, किसी ने अभी ऊपर कहा था, उस पर भी दे सकते हो। मैं टेस्ट माई प्रेप पे देता था, एंड तुम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो इन जनरल मॉक टेस्ट पेपर ऐसे करके, ठीक है। हाँ भैया मैं यही कर रहा हूँ, देखो डीएम ने यहाँ पे लिखा है, हाँ भैया मैं यही कर रहा हूँ इसलिए मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, यही कर रहा हूँ। भैया मॉक टेस्ट कहाँ पर दे प्लीज, मैंने बता दिया भैया मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद भी, तो तू इफिशियंसी से पढ़ना एंड पढ़ अच्छे से। एक चीज बताऊँ तुझे, तुम लोगों को फनी चीज, मेहनत गधा भी करता है घोड़ा भी करता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट कौन होता है, घोड़ा होता है। तो मेहनत करनी है घोड़े वाली, ठीक है। एनालिसिस तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए, स्मार्टली खेलो, ठीक है। भाई पीछे कौन सो रहा है उनको डिस्टर्ब, अरे वो मेरा दोस्त है अमन ब्रो, मैं तो 8 घंटा और बोर्ड्स भी तो, हाँ प्रैक्टिकल फिर, वो ठीक है। भैया कैंप कॉपर का भी ठीक जैकेट आया था इसी जरा है, मैथ्स का भी, बट फिजिक्स का सिलेबस बचा है, पढ़ा है बट करना है। पढ़ा जाए। देख अगर तू पढ़ सकता है तो कर ले, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा नया चीज पढ़ने में। अरे जा रहा है निश, निश, तू भी जा रहा है, थोड़ा इसको रख दो, नहीं तो रहो अभी हम अभी है ना, दो मिनट रुकूंगा देखेंगे एनालिसिस सिखा दूंगा मैं, रुक जाओ भाई। 20 से 50 मार्क्स आ रहे हैं भाई, कोशिश भाई, कोई नहीं यार आ जाएंगे भैया, मैं गूगल पे दिया गया हूँ नंबर आए थे, ठीक है भाई, ठीक है तो ठीक है भाई। मेरे लिए पचास में छोड़ दिया है निशे क्या भाई, तो बोले कि जिंदगी नहीं तो वो क्या होगा, मतलब देता है मतलब सोसाइटी में सकता है सर, सर मुझे भी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा यार पीयूष, ऐसा मासूद अभी अप्रैल रिटर्न बचा हुआ, तुम्हारे पास अप्रैल रिटर्न है,
भाई मार्क्स 20-50 आ रहे हैं। देखो यही सब होते रहती है यार कॉलेज लाइफ में, अब मैं क्या करूं, किसी के बीच लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ, बता ना कैमरा मैन के। मैं क्लास 11 में हूँ, कहाँ जा रहा है, आ जाएगा ना वापस। मैं क्लास 11 में हूँ लेकिन पूरी वेस्ट हो रखी है, तो भाई क्लास 12th को इसके कारण वेस्ट मत करना, ठीक है भाई। जब जागो तब सवेरा, 6 महीने पहले जागोगे तब भी सवेरा हो जाएगा। हाँ जब जागो तब सवेरा, वही तो मैं कह रहा हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो भाई, मेरे 40 के अराउंड आ रहे हैं, 15 दिन में क्या करूँ, बहुत कुछ प्रेप बाकी है, कितना कर सकता हूँ बता दो। 40 के अराउंड आ रहे हैं, 40 मार्क्स देखो यार तुम्हारा 40 आ रहा है, तुम्हारा यार बीसी की अभी तक किए नहीं, तो मैं ऐसा करूँ ना अप्रैल लेटर में फोकस कर लो। नहीं नहीं अप्रैल लेटर में कर लो, तुम पढ़ लो 6 टॉपिक्स ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, तुम्हारा नया पार्ट है फिजिक्स में, फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर आ जाएगा 60-70 भी करीब, 60-70 आ जाएगा। वही बस फिजिकल इनऑर्गेनिक करो उसमें आ जाएगा 60-70, फिजिकल इनऑर्गेनिक में 60। और ऑर्गेनिक में अगर तुम अच्छे से बस एक 11th ऑर्गेनिक जो तो बहुत सिंपल है वो कर लोगे, 10-12 मार्क्स उसमें स्कोर कर जाओगे, 120-130 मार्क्स पे बन जाएगा तुम्हारा 95-96% है, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट। और अगर मैथ्स में स्कोर कर जाते हो 30 मार्क्स, 160-160 पे 97-98% है रिस्पेक्टेबल स्कोर, 160 पे तुम बढ़िया कॉलेज में चले जाओगे। बता दिया इसने पूरा जेईई मेंस को वो कर दिया भाई, 150 स्कोर पे स्टक हो गया है, क्यों तेरा नेगेटिव ज्यादा हो रहा है या फिर तेरी प्रिपरेशन ही 150 जितनी है, पहले मुझे रीजन बता। सिर्फ फिजिक्स टेस्ट में 80 नंबर मार्क्स आते हैं, फुल टेस्ट में 60 आते हैं फिजिक्स में, फुल टेस्ट में मतलब तू पूरा समय नहीं ले पाता फिजिक्स में, तो वही करना, तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर, आदत डाल भाई। अलग सर केमिस्ट्री पुराने वीडियो जेईई मेंस के लिए इनफ है मेरे हिसाब से, अलग सर के केमिस्ट्री वाले वो भी पुराने वीडियो तो नहीं देख, नए वाले बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स अब आ गए हैं यूट्यूब पे। फिजिक्स के लिए चैप्टर्स बताओ तो स्कोर 60, स्कोर 60 कौन कौन से चैप्टर थे फिजिक्स के लिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ बताओ। फिजिक्स के लिए चैप्टर्स, फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गया तुम्हारा 12th हो गया, फिर आगे 11th रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, वेक्टर वेक्टर तो इजी होता है उसको करने की जरूरत नहीं, वेक्टर वेक्टर तो इजी है उसको करने की जरूरत नहीं, बाकी एक लिक्विड से लो से पक्का देखो, लिक्विड से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बता दिया, इजी इजी है, इजी इजी है। मेरे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बोर्ड पहले करने के लिए फिर ड्रॉप लेने के लिए, तो भाई पेरेंट्स से डिस्कस करो फिर, एंड पेरेंट्स को जगा कि हाँ मैं बोर्ड्स में अच्छा नंबर ले आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें क्या बोर्ड्स में 99% चाहिए भाई, कोई फायदा नहीं है बोर्ड्स, बोर्ड्स का कोई काम का ही नहीं रहा, तुम डीओ का भी एग्जाम दोगे तो सीबीटी देना पड़ेगा, तो कोई कोई है ही नहीं भाई, 12 में 75 नहीं है कोई कॉलेज भैया, 12 में 75 नहीं है कोई कॉलेज मतलब, अच्छा अभी 100 तक नंबर आ जाते हैं मेंस मॉक में, बताइए क्या करूं, क्यों आते मतलब तेरा कम क्यों आ रहा है, तूने अगर सिलेबस पूरा कर रखा है मतलब क्यों तेरा कम आ रहा है, तूने ज्यादा तो गलत कर देता है पेपर, ठीक है वो सब बता। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्किप किया तो चलेगा क्या, आई गेस चल जाएगा यार, फिजिक्स इनऑर्गेनिक काफी है, ठीक है मैंने बेसिकली मैंने खुद ऑर्गेनिक नहीं कर रही थी। जेईई मेंस की टाइमिंग क्या होती है, खैर 9 से 12, 3 से 6 ऐसे ही कुछ होगा। Which teacher to follow to cover physics chapters which are left? Edu Niti ना, गोयनका सर, गोयनका सर ना फिजिक्स के लिए, हाँ गोयनका सर, Edu Niti, मैं पे लिख देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ Edu Niti गोयनका सर, इनसे तुम फिजिक्स का
फिजिक्स के बहुत बढ़िया टीचर हैं, इनसे तुम कवर कर लो। मैं फॉर्मूला याद करने में एक दिन बाद ही भूल जाता हूँ, रुक जा भाई बता रहा हूँ। अगर एक दिन बाद ही भूल जाते तो एक काम कर, ए4 साइज का शीट ले और उस पर लिख दे सारा फॉर्मूला, चिपका ले पेज के सामने, आंसर उसको पढ़ते रहे। ठीक है, ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में दिक्कत है, केमिस्ट्री में 30-40 आ रहे हैं, फिजिक्स कंप्लीट है। फिजिक्स कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रहा है तो फिर क्या करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म रटो बैठ के, ऑर्गेनिक पढ़ो, ए4 साइज शीट का पेपर लो, उस पर लिख दो एंड रोज पढ़ते जाओ। प्रॉपर रिवाइज नहीं है भैया मैथ्स और केम, तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। रिवाइज करने का तरीका बताऊं, अपने फ्रेंड से पूछ, अभी 10 दिन में सिलेबस कंप्लीशन, इनकी वन शॉट नोट्स रिवाइज किससे करें, मॉक टेस्ट इज इट ओके, और मॉक टेस्ट इज इट ओके है शॉर्ट नोट्स रिवाइज, सिलेबस कंप्लीट के वन शॉट नोट्स रिवाइज, समझ नहीं आ रहा ठीक से लिख। भाई केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में दिक्कत है, केमिस्ट्री में 30-40 आ रहे हैं, मैंने बता दिया भाई। भाई मैंने सूटी से मिला ट्विस्टी रिस्टी, इट्स ओके साइको। भाई केमिस्ट्री फुल कंप्लीट है बट फिजिक्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चैप्टर लिखा हुआ है, अगर तुम्हें विजिबल है तो बताओ, नहीं है तो थोड़ा और विजिबल बना रहे हो तुम लोगों के लिए। लो रुक जाओ, कैसे होगा यार ये, लो अब विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, एंड मैंने यूट्यूब चैनल भी बता दिया है, ठीक है वो करो। मैंने मैथ्स में बेसिक मैथ्स पी एंड सी सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर 3D सेट रिलेशन एंड फंक्शन स्ट्रेट लाइन कर रखा है, क्या मेरे 40 नंबर आ सकते हैं? आई गेस मुश्किल है। अगर तूने देख वेक्टर अलजेब्रा कर रखा है तूने, वेक्टर अलजेब्रा, हाँ वेक्टर 3D कर लिया ना तो आ जाएंगे, अगर तू सारे क्वेश्चन जितना जितना कर रखा है अगर सही कर लिया तो आ जाएंगे। भाई सामने पेज चिपका के देख लिया कोई, अरे भाई तो और क्या कर सकता है। देख अब डोरेमोन का ब्रेड तो है नहीं कि ब्रेड लिया चिपकाए और खा गए, वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ये अगले दिन वापस भूल जाओगे। क्या कर सकता है तू, भाई आइडेंटिटी पे थ्योरी वीडियोस तो 1 आवर का है मैक्सिमम। हाँ सही है, आइडेंटिटी जो भी है, तुक्का लगाने का तरीका नहीं है भाई, कोई तरीका नहीं है। अब नेट का बहुत ज्यादा इश्यू है यार, आता है कुछ देखते हैं देखिए बंद कर देगा लैपटॉप, अब तुम देखो ना ये दिन कर देगा तो है ना ये दिन चल रहा है क्या अगर लगता नहीं है चल 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 अरे यार क्या हो गया इसको, है ना चार्ज में वाला तो सिर्फ है। अबे यार मेरे चार्ज से कर दो क्या दिक्कत
हेलो कनेक्टेड है अभी भी हाँ हाँ यार कोई दिक्कत आ गई थी रुक जाओ रुक जाओ 1 मिनट रुको। हाँ हेलो आवाज आ रही है अभी भैया। 93-95% लाने के बाद एडवांस पॉसिबल है क्या या ड्रॉप लेना सही होगा? एडवांस पॉसिबल है क्या ड्रॉप लेना सही होगा? पॉसिबल है एडवांस पॉसिबल है एडवांस पॉसिबल है। सॉरी यार यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया नेट इश्यू हो गया थोड़ा लैपटॉप में एक लॉगिन इश्यू आ गया था तो बीच में वो पूरा हट ही गया मेरा स्क्रीन। ठीक है मैं दोबारा अब चैट्स पढ़ता हूँ तुम लोग बताओ क्या पूछ रहे हो। यहाँ पे पबजी चल रहा है यार पीछे क्या भाई अभी भी टाइम है रिवीजन के लिए? हाँ रिवीजन के लिए टाइम नहीं है वैसे लेकिन तुम शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो भाई तुम कर सकते हो यार सब रिवाइज कर रखा है तो डर क्यों रहे हो? ठीक है मॉक देते रहो सही है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है अब बताओ यार तुम लोग क्या पूछ रहे थे। पूछो अब डीले है ना थोड़ा वो रुक जाओ स्ट्रीम में भी थोड़ा डीले है। ओह अपशब्द का यूज नहीं करना है क्या कर रहा है भाई भैया? हाँ सब ओके यस सब ओके भैया लेवेंथ में हूँ पर एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं किया बस मॉड्यूल एग्जांपल 1 और 2 किया और कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है इलेवेंथ में है ना कंप्लीट कर सिलेबस फिर 12th तक सब हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट रुको। हाँ कितने दिन तक जेई मेन से पहले न्यू चैप्टर करना सही होगा? चैप्टर पे डिपेंड करता है अगर इजी चैप्टर है तो फिर तुम 7 दिन पहले भी करोगे तो हो जाएगा लेकिन अगर टफ है तो कम से कम 20 दिन 30 दिन चाहिए। ठीक है ब्रो व्हेन टू फिनिश 11th जितना जल्द से जल्द पहले तो 11th फिनिश कर दे उतना सही है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको बैक उसके कारण 12th में बैकलॉग मत बनाना 12th शुरू कर देना एंड 12th करते रहना। ठीक है 12th होने लगेगा एंड साथ के साथ फिर 11 तो पीछे से क्लियर कर सकता है। ठीक भाई अभी मॉक में 20 मार्क्स आ रहे हैं अभी 100 या 120 प्लस हो सकता है क्या बता दो कुछ भैया? भाई 20 मार्क्स आ रहे तो रीजन बता देगा इतना कम नंबर क्यों आ रहा है? क्या तू मतलब क्वेश्चन गलत कर दे रहा है या फिर तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर तू मतलब सिलेबस कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर तू क्या मतलब दिक्कत क्या है तुझे ये बता पहले मुझे। ठीक है
अच्छा एससी वालों के लिए इजी है जेई मेन क्रैक करना। हाँ इजी है मेरे लिए तो, इजी है मतलब मेरे हिसाब से इजी है भाई एससी वालों के लिए। ठीक है 11 खत्म तो फेब तक कर लो। यस क्या नाम बुला लो उसी को वहां, यहाँ पे बुला लो। भैया क्या मैं अपनी एडवांस लेवल प्रेप करने के लिए साइड बाय साइड सिंगे जैसी बुक्स को 2-3 घंटे लगाऊं कि कोई और स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने आलोक। हाउ मेनी डेज टू रिवाइज 11th? हाउ मेनी डेज टू रिवाइज 11th? भाई रिवाइज करते रहे भाई, एक चैप्टर को 3-4-5 बार रिवाइज कर। ये क्या होता है हाउ मेनी डेज? मैं अपने एडवांस लेवल देख बता रहा हूँ। सिंगेज करने से बढ़िया है, गलत सिंगेज मत कर। अगर तुझे एडवांस का कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना है ना, तो एक स्ट्रैटेजी है एडवांस लेवल क्वेश्चंस उठा, जरूरी नहीं वो सिंगेज से, मिक्स उठा, मॉड्यूल से उठा ले अगर कोई कोचिंग का है तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस ईयर सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक है प्रीवियस ईयर उठाओ एंड उसको बनाना शुरू कर जाओ। बनाना कैसे है एडवांस के लिए क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अप्रैल में फिर टारगेट कर ले। ठीक है हर्ष, यश मैंने बता दिया, सार्थक भरद्वाज भैया 11th में बैकलॉग्स हो गए हैं, पीवाईक्यूज भी नहीं किए एक भी, बस कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है जल्दी जल्दी फिर पीवाईक्यूज करना शुरू कर दे, एंड बैकलॉग जो है उसको भी धीरे धीरे करना शुरू कर दे, एंड उसके चक्कर में 12th का बैकलॉग मत बनाना। हाँ तो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू अगर तुम जैसे ही सॉल्व करो, क्वेश्चन जैसे सॉल्व हुआ, क्वेश्चन पढ़े उसको सॉल्व किए, फिर उसको एनालाइज करो बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस को, एंड कितने तरीके से तुम सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो, हाउ मेनी वेज। ठीक है नंबर ऑफ वेज भी तुम्हें जानना है, कितने तरीके से हो सकता था, इजिएस्ट वे क्या है, सारा एनालिसिस कर डालना, मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना। ठीक है थैंक यू भैया। ठीक है भैया 11th में बैकलॉग्स हो गए हैं, पी वैक्यूज। देखा हाँ कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि शुरू कर दें धीरे धीरे करते रहे। भैया डीसी पांडे कैसा होगा? डीसी पांडे सही होगा लेकिन अब नहीं, अगर तू 11th में होता या फिर 10th में होता, 11th में जा रहा होता तब मैं तुझे यही सजेशन देता कि डीसी पांडे शुरू कर दे, लेकिन अब नहीं रहा। भैया 11th में बैकलॉग्स हो गए हैं, पी वैक्यूज भी नहीं किए, बता तो दिया मैं एससी हूँ, मेरे को बता दो कि एनआईटी में सीएससी मिलती है कितने मार्क्स पर। लेकिन देख तुझे ये सब पे तो फोकस नहीं करना चाहिए अभी, लेकिन तू कॉलेज प्रवेश पे भी जाके देख सकता है, मेरे को फिलहाल उतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूँ कि मार्क्स तो मैं नहीं बताऊंगा, परसेंटाइल बता दूंगा कि 96 95 इनफ होंगे, 97 इनफ होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है 2 से 3 घंटे, दो क्या, हाँ 2 से 3 घंटे काफी हैं, जितना दे सकता है 2 से 3 घंटे तो मिनिमम देगी। मेरे सारे डाउट्स बस तू ही सॉल्व करेगा, तुम आते ही नहीं हो लाइव, मॉक्स कब से, 2 सिलेबस तो 20 तक हो जाएगा मेरा, तो फिर 20 से 24 के बीच में एक मॉक्स, एक ही मॉक पेपर दे पाएगा फिर, एक ही दे यार और क्या। तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि तुम सिलेबस कंप्लीट करके ही मॉक दो, सीधे तुम मॉक दे सकते हो। ठीक है सीधे तुम मॉक पे जा सकते हो। भाई ज्यादा तो देख मेरी सबसे दोनों बराबर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है तो 11th और 12th को अलग अलग मत समझो, इसको पूरा जेई का सिलेबस ही समझो। ठीक है पूरा जेई का सिलेबस ही समझो। ठीक है भाई मैं 90% टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मांग जवाब दे रहा। भैया ज्यादा 11th इम्पोर्टेंट है, 12th में बता दिए। भाई फिर तो ऐसे पीवाईक्यू करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे पीवाईक्यू करने में समझा नहीं मैं, 1 मिनट ऊपर मैंने कुछ बताया है क्या? अभी
बहुत टाइम लगेगा मतलब ऑर्गेनिक कहाँ से करूँ प्लीज बोल दो। सार्थक ऑर्गेनिक, अगर तुझे थ्योरी करना है क्या करना है, थ्योरी करना है क्वेश्चन करना है पहले ये बता। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बता दो कि एडवांस का, देख स्ट्रक्चर्ड अभी बताऊंगा तो थोड़ा टॉपिक से भटक जाएंगे, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा हाँ ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा रुक जा भाई सा प्लीज, थोड़ा भाई अकेला फील करता हूँ मॉक्स। एक मिनट, सा मॉक्स में 180+ आना शुरू हो गया वो सब तो ठीक है, अकेला फील करता हूँ ये क्या बात हुई, मैं ये क्या बात हुई जा भाई। रहा लास्ट मॉक में 192 आए, हूँ डर भी मैं लग रहा है। बहुत अच्छा है, अगर तेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो अकेला फील मत कर भाई, मैं हूँ कि मैं एडवांस लेवल कैसे जा तो। बीटेक वालों को कब आएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। अच्छा गाइस, ये जो टेक्स्ट में लिख रहे हैं वो मेरा दोस्त है आशीष, तुमने चैनल पे देखा ही होगा, दूसरा सर। हेलो हेलो हेलो, क्या बोल आपका अरे दूसरा आशीष, इधर भी कैसे एक आशीष है। टोटल कितने मॉक सही रहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जितने तुम दे सको, जितने एनालाइज एनालाइज कर पाओ। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम मॉक कितना अच्छे से एनालाइज करते हो ठीक है। बीटेक वालों का आ जाएगा 1-2 दिन में मेरे हिसाब से। चले कहाँ से उधर से निकला, गोली चलाते आ रहे हैं भैया हम। प्लीज बता दो कि एडवांस लेवल प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर, भाई मैं बता दूंगा यार, उसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा रुक मैं बताता हूँ सर, मैं ड्रॉप में प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ अभी से ही। मतलब सेट है पूरा कि ड्रॉप में ही प्रिपरेशन करना है तुमको। अभी तो जैन अटेम्प भी नहीं आया, प्री अटेम्प भी नहीं आया, अभी अप्रैल में कितना समय बाकी है। वैसे अगर माइंडसेट सेट है तो कोई बात नहीं ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर ड्रॉप में आईआईटी मुंबई के लिए कैसे तैयारी करूं, पता है एक बार बहुत लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा कि ड्रॉप में आईआईटी मुंबई, लेकिन मेरा एक दोस्त था कोटा में ठीक है, वो कुछ नहीं पढ़ा था 11-12 में, एंड ड्रॉप ईयर में आया एंड फोड़ दिया, आज आईआईटी बॉम्बे में है भाई। मैं जरा हूँ पढ़ने, आप कल मस्ट डू कल वीडियो डाल देना ठीक है। मैं कल डाल दूंगा मस्ट डू वीडियो तेरे लिए ठीक है, एंड तेरे कुछ कुछ डाउट्स रह गए यार साइको, सॉरी भाई, कल पूछ लेना ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। कैसे तैयारी करो भाई, वो तो बहुत लंबा आंसर है यार, कैसे तैयारी करो, अच्छे से 11th करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू करते रहो सॉल्व, बैकलॉग्स क्लियर करते रहो अगर हो सके तो, इजी टॉपिक्स इसी इजी स्कोरिंग टॉपिक्स करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के ज्यादा इंपॉर्टेंट करने अगर आईआईटी बॉम्बे में जाना है तो ठीक है। तुम रोज रोज तुम 20 से 30 एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको एनालाइज करो, पोस्टमार्टम करो, हो जाएगा भाई। मेरे को पिछले 2 साल से अकेला ना फील कर, मैं हूं नहीं बोला, थैंक ठीक है भाई। भैया मैं पी वाई, इट्स ओके भाई, भैया मैं पी वाई क्यूज करूँ या सिलेबस कंप्लीट है, रिविजन इन 11th, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट टू 12th, एचसीवी भी नहीं की, एचसीवी नहीं की डजेंट मैटर, कोई बात नहीं भैया, मैं पी वाई क्यूज करूँ या सिलेबस कंप्लीट है, रिविजन रिविजन छोड़, तू सिलेबस कंप्लीट कर साथ के साथ पी वाई क्यूज करते रहे ठीक है, एंड रिविजन थोड़ा लास्ट के लिए भी छोड़ सकता है, शॉर्ट रिविजन तो कर सकता है ना, जैसे आज का पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज कर लिया, ऐसे ऐसे छोटा मोटा रिवीजन करते रहे। 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर 12th, एचसीवी भी नहीं की, ना ही एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा बुक एनएवएसटी मॉड्यूल कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल की बहुत है भाई, मॉड्यूल बहुत ज्यादा मोर देन इनफ होता है, बहुत ज्यादा मोर देन इनफ होता है। श्रेया श्रीवास्तव बहुत लंबा टॉपिक है, मैं तुम्हें अलग से वीडियो दूंगा यार इस पे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में देखो मैं एक रोड मैप इसका तुम्हें पूरा चाहिए होगा, देख मैं लिख के बताता हूँ, देख एक तुम्हें पूरा रोड मैप की जरूरत है ठीक है, जो मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत वो लंबा चीज है, उसमें बहुत दिमाग लगाना है, उसका मैं अच्छे से रिसर्च करके एक वीडियो बना के दे दूंगा अगर तुम कहो तो ठीक है। तो प्लीज अगर चाहिए तो फिर बाद में मैं दे दूंगा भैया, मैं पी वाई क्यू करूँ से बता दिया मैंने यार। हेलो अतुल भाई, आर्यन अतुल भाई को हेलो कह रहा है,
हेलो भाई। भैया 1-to-1 कर सकता हूँ आप पर, कर सकता है, इंस्टाग्राम पे है तो। मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मेरा कॉल मत इंस्टाग्राम करना आईडी ले लो भाई। मेरा भी दे देना। तो पीछे सब मेरे मैं दोस्त बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, कर दो सबको। समझ से सर लूंगा, जेईई मैं नहीं मेंस खेल की डेट चेंज हो गई। हाँ रहा हाँ था। अरे सर जेईई मेंस की डेट चेंज हो गई। हाँ हाँ आशीष, एक अगर तू मैं चैट में तो तो एक काम कर, हम दोनों का इंस्टा आईडी और मतलब सब्जेक्ट बाकी सब में डिस्क्रिप्शन में डाल दे। कंफ्यूज हूँ। ये अपना इंस्टा आईडी लिख रहा है, इससे भी तुम डाउट जाके पूछ सकते हो। ये बहुत टॉपर बच्चा है, उसका सीजीपीए 9.8 चल रहा है गाइस, कॉलेज का टॉपर है। ठीक है, अरे इससे भी जाके तुम डाउट पूछ सकते हो। अभी आईटी ब्रांच में बहुत बढ़िया बच्चा है, ठीक है, बहुत पढ़ता है, दिन आईपीएल रात पढ़ के बता। इतने सर जेईई मेंस की डेट चेंज हो गई। हाँ ठीक है, हाँ टेक्निकल श्रेया मैं बना के बता दूंगा तुझे। एंड उसने फॉलो नहीं किया यार। गाइस तुम लोग को स्ट्रीम अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दो प्लीज, प्लीज एक बार लाइक कर दो। सर जेईई मेंस की डेट चेंज हो गई। हाँ भाई हो गई, कितने बार बोलो भाई। बहुत भाई आलोक मैं बता दूंगा, स्ट्रक्चर प्लान तुझे भी चाहिए और श्रेया को भी चाहिए, मैं दोनों का अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं वीडियो के टॉपिक यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, तुम लोग के सामने नोट करूंगा। ठीक है, तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। बहुत अपकमिंग वीडियोस, सबसे पहले तो एक साइको भाई ने क्या कहा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक फॉर जेई मेन। ठीक है, अभी आने वाला सेकंड क्या कहा है, चलता अभी क्या कहा है, रोड मैप फॉर आईआईटी बॉम्बे। एक और क्या वीडियो आया है, स्ट्रक्चराइज्ड प्लान फॉर जेई एडवांस। देखो अब मैं लिख लिया और मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है, अब तंग मत करना। है। हमारे कोई और प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम ले लो। कौन सा गेम खेल रहे हैं दोस्त, बीजीएमआई खेल रहे हैं और क्या। भैया आई एम इन नाइन्थ, अबाउट टू एंड, आई एम क्रोपिनी डूइंग एचसीवी। बहुत बढ़िया जतिन भाई, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे आ रहा है कि किसी को 1v1 करना है तो बताओ। हाँ साइको मेरा टेलीग्राम आईडी ले ले, ठीक है। सर एडवांस का रोड मैप बता दो, बताऊंगा, वो वीडियो आएगा। इट्स ओके आलोक भाई, भाई आप रोज 1 घंटा लाइव आओ प्लीज। ठीक है, एक्सपायर्ड जोन भाई, अरे लास्ट 15 डेज में जेई के लिए क्या करूं, लास्ट 15 डेज में जेई के लिए मॉक दो, वन शॉट देख लो भाई। यहाँ पे दोस्त यार तंग कर रहे हैं मुझे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। भाई आप कौन से कॉलेज से हो और किस ब्रांच से हो। मैं एनएसयूटी ईसी से हूँ, ये आईटी से है, ये सीएस एआई से है, और वो सीएसई से है। यहाँ पे अभी वो बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो अतुल। हेलो गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो यार, तुम लोग अभी 3-4 महीने पढ़ो एंड बढ़िया कॉलेज में आओ, यही लाइफ तुम्हें मिलेगी। ठीक है, क्या चीज ठीक है जतिन, ठीक है, रिविजन टिप्स पर अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है, उसका भी अलग। देख रिविजन टिप्स क्या ही बताऊँ, मॉक टेस्ट देते रहो, जो टॉपिक नहीं होगा उन्हें रिवाइज करते रहो। आई वॉन्ट योर इंटरव्यू विद आशीष शर्मा फॉर हिज स्टडी स्ट्रेटेजी। आयरनगढ़ पहले मांग रहा है इंटरव्यू विद आशीष शर्मा फॉर हिज स्टडी स्ट्रेटेजी। कौन आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, हाँ ये तो हमारा वाला आर्यन है ना, अटल हाँ फाइव हाँ है। हाँ गाइस हा। आप आर्यन से मिलो, सीएसआई में है। इतनी उसकी सीजीपी इतनी चली, 9.1 ना। 9.2, 9.2। हाँ हाँ श्रेया देख, लास्ट 15 डेज के लिए हाँ क्या क्या कर सकते हैं, सुन मैं बता रहा हूँ। देख अभी जैसे तेरे 15 डेज बचे हुए हैं, वॉट यू कैन डू इज मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस ईयर के, 2019, बीस, तो मैं वो 21, 22, 23, क्या हुआ। ठीक है,
वन शॉट से सारे इजी चैप्टर्स पढ़ डालो, ठीक है। एंड वीडियो डिस्कशंस देखो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वीडियो डिस्कशंस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना चीज करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बस और क्या, ठीक है। मॉक टेस्ट PYQ को एज अ मॉक टेस्ट दो, ठीक है। किस कॉलेज में हो भाई? NSUT दिल्ली। अमन मित्रवाल का तो नाम सुना होगा जिसने सबका काटा है। 15 डेज में जेई के लिए क्या करूं बता दिया। ठीक है यार, रोज आऊंगा रोज आऊंगा। पर एक बार तुम लोग का पेपर आने दो यार, पेपर हो जाएगा उसके बाद चिल सेशन भी रखें रात को 12 बजे के बाद, ठीक है। उसमें इससे नचवाएंगे, ये नाचेगा उसमें, हम लोग गाना गाएंगे, ठीक है। NSUT के लिए कितने मार्क्स चाहिए भाई? 150 से 180+, 150+। टाइम जा रहा है, प्लीज बता दिया मैंने साई को, मैंने अपना टेलीग्राम आईडी दिया तो तुझे। नहीं उसके बाद वाले में दे सकते हो तो शायद एलिजिबल है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। जेई मेन सिटी रिलीज नहीं हुआ है अभी, अभी बी आर्क का हुआ है सिर्फ, बीटेक वालों का होगा तुम्हारा 2-3 दिन में। बोर्ड्स भी नहीं है साथ में तो बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा बोर्ड्स है साथ में तो हाँ दिक्कत होगी यार, लेकिन देख बोर्ड्स जेई इंटीमेशन नहीं हुआ है, हाँ तो मैं श्रेया बता रहा था, बोर्ड्स अगर साथ में है तो एक काम कर सकती है तू, पीसीएम तो देख तेरा कवर्ड ही है, अगर तू मतलब जेई के लिए करेगी तो पीसीएम तो हो ही जाएगा, बचा तुम्हारा फिजिक्स, बचा तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश, या फिर हिंदी के जो सब्जेक्ट होगा तुम्हारा, तो ये तो आई गेस उतना टफ नहीं होता यार कवर करना। भाई मेरे से हम लोग के समय में भी था, हम लोग से उतना दिक्कत नहीं हुआ था वैसे। 100 110 मार्क्स में कितने परसेंटाइल आएगी? 90 एवरेज ले सकता है, कभी कभी 92 93 भी हो जाता है टफ पेपर में। इज जेई इंटीमेशन इज रिलीज्ड? नहीं। NSUT गवर्नमेंट कॉलेज है? यस। गाइज लाइक कर दो एक बार स्ट्रीम प्लीज, जल्दी 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 लाइक कर दो यार पहले तो। बाकी कुछ पूछना है तो आर्यन से पूछ लो, CSA का टॉपर है वो। यस हाँ परसेंटाइल अगर इजी पेपर हुआ तो 150 पे आ जाए, सॉरी टफ पेपर हुआ तो 150 पे आ जाएगा, 150 160 या 140 पे भी आ सकता है अगर टफ पेपर हुआ तो। NSUT क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि NSUT में तुम काफी पक जाओगे भाई, सही बता रहा हूँ, ठीक होगा है। फर्स्ट ईयर से लग जाएगा भाई, इसीलिए NSUT तो मत ही आना। बहुत हाउ टू टेक मॉक्स स्मार्ट श्रावणी? भाई मैंने मॉक के बारे में बहुत बताया कि कैसे देते हैं, फिर से बताना पड़ेगा क्या? संकल्प जौहरी स्कैमर भाई, देख मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे वैसे उतना आइडिया नहीं है उसे कंटेंट का, रुक जा भाई। लड़कियों का रिजर्वेशन में कैसे हेल्प होता है? लड़कियों का रिजर्वेशन में काफी हेल्प हो जाता है, उसमें कैसे हेल्प होता है मतलब नहीं समझा, मतलब रिजर्वेशन है तो तुझे ज्यादा ही तुझे कम मार्क्स पे अच्छा सीट मिल सकता है, ठीक है। हाउ टू टेक मॉक्स बता रहा हूँ स्मार्ट श्रावणी बता रहा हूँ, मैंने स्ट्रीम में भी पहले बता रखी है। आलोक 1 मिनट रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा भाई। एजेंट 247 पे रिव्यू,
सब करूंगा रिव्यू, ये सब जो करना है ये मैं 12 बजे बाद जो चिल सेशंस। देखो मॉक लगा कैसे बनाना है यार, मैंने बता चुका है यार, फिर से बताऊं, थक गया। देखो बताता हूँ, देखो हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, कोड स्टक्ड है तुम्हारे बिटवीन, अगर ये सब दिक्कत है, ट्राई टू सिट इन टाइम व्हेन रियल एग्जाम विल हैपन 9 to 12 और 3 to 6। ट्राई टू मेंटेन एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, सेट टाइम लिमिट 15 मिनट लेसर देन द गिवन टाइम। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 45 मिनट तक ही तुम दो, ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट के बाद उठ जाना। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताऊं, सॉल्व लेस स्किप मोड, तुम कम सॉल्व करो स्किप ज्यादा करो पेपर में, उससे तुम्हारा फिल्टर आउट हो जाएगा इजी क्वेश्चन। जैसे तुम पेपर में जब भर रहे हो तो स्किप ज्यादा करना है तुम्हें क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 अगर टफ है तो छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 है तो छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है तो बना लो, अगर 4 एवरेज है तो मार्क कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 अगर इजी टफ है तो छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है तो बना लो। ऐसे सारे इजी क्वेश्चंस पहले बना डालो, फिर एक राउंड और मारो, फिर सारे एवरेज पेपर बना डालो, फिर एक राउंड और मारो, फिर और एवरेज पेपर बनाओ, फिर और मारो, ऐसे करते करते फिल्टर आउट करते जाओ, ठीक है। हाउ टू स्टडी मैथ्स नाउ, कौन से एनआईटी में हो ब्रो, एनएसयूटी दिल्ली में हो भाई, ब्रो आई एम फॉरगेटिंग दैट ऑल आई रीड। तो एक काम कर, उसको पेपर में लिख और लिख लिख के याद कर आज से, ठीक है। स्टडी मैथ्स नाउ भाई, मैंने एक वीडियो बना रखी है मैथ्स के लिए, रुको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं तुम्हारा, एक मिनट रुक। फालतू बच्चों की तरह नहीं हूँ, फालतू डिस्टर्ब नहीं करता, बस गाइडेंस चाहिए तभी करूंगा भाई। मैंने अपना टेलीग्राम आईडी दिया तो रुक जा, देखूं तेरा मैसेज आया कि नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। 10% चार्ज में देखता हूँ, कैंसिल कर देते हैं ना, मजा तो ये मैंने टेक्स्ट बैक कर दिया, ठीक है, जाके देख ले। मैं रिविजन इज इम्पॉर्टेंट और मॉक राइट नाउ, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है और उसका यूज करके रिविजन करो, ठीक है। उसका मैंने तुम्हें डिटेल एनालिसिस बताया, तुम लोग एक बार मेरा चैनल देखो, रुक जाओ मैं स्क्रीन शेयर करूँ, रुक जाओ देखो ये वाला वीडियो देखो कि मॉक कैसे बनाते हैं, एंड इसमें देखो 20 डेज स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री, डोंट मिस दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया कि तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो मॉक देते हुए, ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो गया ये, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, क्या कर रहा है भाई, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। देखो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जो टॉपिक नहीं सॉल्व होते हैं उस टॉपिक को नोट करो और एक A4 शीट साइज के पेपर पे जाओ, एंड उसको ऊपर में लिख लो हेडिंग, एंड फिर उसको रिवाइज करो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद उस A4 शीट साइज शीट के पेपर को रोज सुबह शाम पढ़ो। यूनिवर्सिटी कैलस कॉलेज दिल्ली में कहाँ है भाई, दिल्ली में द्वारका में है, एंड ठीक ठाक कॉलेज है यार, DTU ज़्यादा बेटर, DTU ज्यादा बेटर। भैया 15 दिन पढ़ के कितना परसेंटाइल आ सकता है,
90 क्रॉस हो सकता है, 90, 92, 94। भाई मैंने, ठीक है एंड कर दूं क्या? ठीक मैं बहुत बड़ा घाव आ रहा है फिर यहाँ पे बाहर से दर्द हो रहा था। मेरा अब देख तो कितना डीले है, डिले कितना है मेरा लाइव में, जैसे अभी मैं जो बात, मेरा कितना देर पहले का बात आ रहा है, मैक्सिमम 30-40 सेकेंड। भाई मेरा फिजिक्स गुड है, केमिस्ट्री अगस्त अभी एवरेज है, एंड मैथ्स बहुत खराब है। जब आएगा तो बताना, जो तेरे से बात करूँ वाला पार्ट, मैथ्स बहुत खराब है भाई। कॉपी नेट आ जाएगा, तक नहीं आया। भाई इस बार कंपटीशन ज्यादा हो क्या या नॉर्मल? भाई कंपटीशन इस बार नॉर्मल ही होगा मेरे हिसाब से, ज्यादा नहीं होगा। भाई 190 मार्क्स आया मॉक में आज, बहुत बढ़िया प्रियांशु भाई, तालियां प्रियांशु भाई के लिए। आपकी रैगिंग हुई थी क्या? नहीं भाई, दिल्ली में रैगिंग बैन है, जिंदल पे रिव्यू तो कर ले। करूंगा करूंगा, जरूरी है। भाई इस बार कंपटीशन कैसा होगा आपके हिसाब से? उतना भी मुश्किल नहीं होगा। कब आया मेरा वाला पार्ट? अब अब आया है गैस, कुछ डाउट है तो पूछ लो। चैट जल्दी आ रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ वो आ रहा है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आ गया मेरा। अच्छा ठीक ठीक है। डीले कैसे कम करूं समझ नहीं आ रहा यार मुझे। तो गाइस आज के लिए एंड करें क्या? एक बार बोलूं, इस बार तक कॉपी करना तो पॉसिबल है। थैंक यू भाई अतुल भाई, एंड करे क्या बताओ बताओ। डीले है ना स्ट्रीम में तो दिक्कत हो रहा है, रुक जाओ। अच्छा ऐसा है क्या भाई? हो सकता है जिंदल। स्ट्रीम एनालिसिस करके प्रियांशु, टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू स्लीप एंड मैनेज स्टडीज। कीर्ति, अगर ऐसा है तो कुछ चीजें तुम छोड़ दो करना। भाई हुडी तो मैंने लिया है मॉल से।
एंड करूँ क्या आप?